सो हे गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नए वीडियो में। तो पोकेमॉन वर्ल्ड में स्टार्टर पोकेमॉन्स के लिए तीन टाइपिंग है, जो कि है वाटर, फायर और ग्रास टाइप। पोकेमॉन फैंस के बीच में डाउट रहता है कि इन तीनों टाइपिंग में से सबसे बेस्ट टाइपिंग कौन सी है चूज करने के लिए। तो आज हम यही देखने वाले हैं। आज हम सारे रीजन के स्टार्टर पोकेमॉन्स को कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि कौन सी टाइपिंग सबसे बेस्ट है। वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करते हैं जनरेशन वन यानी कि कैंटो रीजन के साथ। कैंटो का फायर टाइप स्टार्टर है चार्मेंडर, जो कि फुली इवॉल्व होता है चार्जार्ड में। इस रीजन का वाटर टाइप स्टार्टर है स्कॉटल, जो कि फुली इवॉल्व होता है ब्लास्टोइस में। और ग्रास टाइप स्टार्टर है बल्बसौर, जो कि फुली इवॉल्व होता है वीनसौर में। सारे ही स्टार्टर काफी ज्यादा औसम है, बट इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग होगा चार्जार्ड, क्योंकि पोकेमॉन एनीमे के अंदर चार्जार्ड स्ट्रॉन्गेस्ट नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन है। इसको काफी सारे स्ट्रॉन्ग ट्रेनर्स ओन करते हैं, जैसे कि एश, लियोन और अलान। पोकेमॉन गेम्स के अंदर विनोसॉर सबसे बेस्ट स्टार्टर है, पर वहां पर भी चार्जार्ड को कुछ एडवांटेजेस है, जैसे कि चार्जार्ड इकलौता कैंटो स्टार्टर है जिसके पास दो मेगा एवोल्यूशन है, जो कि है मेगा चार्जार्ड एक्स और वाई। तो हां, कैंटो रीजन में फायर टाइप को पॉइंट मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं जनरेशन टू यानी कि जोटो रीजन के तरफ। जोटो रीजन का वाटर टाइप स्टार्टर है टोटोडाइल, जो कि फुली इवॉल्व होता है फेरालीगेटर में। ग्रास टाइप स्टार्टर है चिकोरिटा, जो कि फुली इवॉल्व होती है मैगानियम में। और फायर टाइप स्टार्टर है सिंडकविल, जो कि फुली इवॉल्व होकर टाइफ्लोजन बनता है। ये तीनों ही पोकेमॉन सिंगल टाइपिंग के, इनके पास कोई भी मेगा एवोल्यूशन या फिर जिगेंटमैक्स फॉर्म नहीं है। वेल, एनीमे के अंदर मैगानियम हमें काफी वीक दिखाई गई है, टाइफ्लोजन जोटो रीजन में दिखाया ही नहीं गया था, इसलिए इस रीजन में सबसे स्ट्रॉन्ग स्टार्टर होगा फेरालीगेटर। ये पोकेमॉन गेम्स के अंदर भी डिसेंट स्टार्टर है, जिसके चलते वाटर टाइप स्टार्टर पोकेमॉन्स को अपना सबसे पहला पॉइंट मिल जाता है। नेक्स्ट रीजन है जनरेशन 3 यानी कि होइन रीजन। यहाँ के तीनों ही स्टार्टर्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ऑसम थे, जो कि है फायर टाइप स्टार्टर टॉर्चिक, जो कि फुली इवॉल्व होता है फायर फाइटिंग टाइप पोकेमॉन ब्लेजिकन में। वाटर टाइप स्टार्टर मडकिप, जो कि फुली इवॉल्व होती है वाटर और ग्राउंड टाइप पोकेमॉन स्वाम्पर्ट में। और फाइनली ग्रास स्टार्टर ट्रीको, जो कि फुली इवॉल्व होकर बनता है प्योर ग्रास टाइप पोकेमॉन सेप्टाइल। इन तीनों के पास मेगा एवोल्यूशन है, जिसमें जाने के बाद ये और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। वेल, गेम वाइज देखा जाए तो यहाँ पे स्वाम्पर्ट को काफी ज्यादा एडवांटेज है, क्योंकि स्वाम्पर्ट एक ग्राउंड और वाटर टाइप पोकेमॉन है, जिसके चलते उसकी सिर्फ एक ही वीकनेस रह जाती है, जो कि है ग्रास टाइप। स्वाम्पट अब तक का सबसे ज्यादा बेस्ट स्टार्ट रखने वाला स्टार्टर पोकेमॉन भी है। पर एनीमे की बात करी जाए तो एनीमे में इन तीनों में सबसे स्ट्रॉन्ग दिखाया गया है सेप्टाइल को। सेप्टाइल पोकेमॉन को एश और सोयर जैसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ओन करते हैं। मेगा इवॉल्व होने के बाद इसको ड्रैगन टाइप भी मिल जाती है। इसने एनीमे के अंदर अनडिफीटेड डार्कराय को भी हराया है। वहीं पर स्वाम्पट एनीमे के अंदर सबसे वर्स्ट स्टार्टर है होइन का। गेम्स के अंदर सेप्टाइल डिसेंट है, तो हां, ये पॉइंट मिलेगा ग्रास टाइप स्टार्टर पोकेमॉन्स को। नेक्स्ट रीजन है जनरेशन 4 यानी कि सिनो रीजन। सिनो के स्टार्टर्स भी काफी ऑसम है, जो कि है फायर टाइप पोकेमॉन चिमचार, जो कि फुली इवॉल्व होता है फायर फाइटिंग टाइप पोकेमॉन इन्फर्नेप में। वाटर टाइप स्टार्टर पिपलप, जो कि फुली इवॉल्व होती है वाटर और स्टील टाइप पोकेमॉन इम्पोलियन में। और फाइनली ग्रास टाइप स्टार्टर टर्टविक, जो कि फुली इवॉल्व होकर बनता है ग्रास और ग्राउंड टाइप पोकेमॉन टॉर्टेरा। इन तीनों में से किसी के पास भी कोई मेगा फॉर्म या फिर जिगेंटमैक्स फॉर्म नहीं है। वेल, इन तीनों में बिना किसी डाउट के सबसे बेस्ट स्टार्टर है इन्फर्नेप, क्योंकि एनीमे में इसको सबसे स्ट्रॉन्ग दिखाया गया है। इसने पॉल के आधे टीम को भी हराया है। बाकी दोनों स्टार्टर्स की परफॉर्मेंस एनीमे के अंदर उतनी खास नहीं है। वहीं पर गेम्स के अंदर भी टॉर्टेरा के बाद इन्फर्नेप सेकंड बेस्ट स्टार्टर है सिनो रीजन का। आगे बढ़ते हैं जनरेशन 5 यानी कि यूनोवा रीजन के तरफ। यहाँ के स्टार्टर्स उतने फैन फेवरेट और पॉपुलर नहीं है, जो कि है वाटर टाइप स्टार्टर ओशोवॉट, जो कि फुली इवॉल्व होता है सैमुराट पोकेमॉन में। फायर टाइप स्टार्टर टैपिक, जो कि फुली इवॉल्व होता है इम्बोर में। और फाइनली ग्रास टाइप स्टार्टर स्नाइवी, जो कि फुली इवॉल्व होती है सरपीरियर में। इन तीनों में से भी किसी भी स्टार्टर के पास कोई भी मेगा एवोल्यूशन या फिर जिगेंटमैक्स फॉर्म नहीं है। वेल, मेरे अकॉर्डिंग इन तीनों में सबसे बेस्ट स्टार्टर पोकेमॉन होगी स्नाइवी, जिसको पोकेमॉन एनीमे के अंदर सबसे स्ट्रॉन्ग दिखाया गया है। ऐश की स्नाइवी काफी थी। ट्रिप के पांच लेवल के स्नाइवी ने एश के पिकाचू को हरा दिया था, जिसने इसके पहले लेजेंडरी पोकेमॉन जैसे कि लाटियोस और रेजाइस तक को हराया था। इम्बोर और सैमुराट को पोकेमॉन एनीमे के अंदर ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं दिखाया गया है। गेम्स के अंदर भी सरपीरियर डिसेंट स्टार्टर है, इसीलिए ओवरऑल सरपीरियर यूनोवा की बेस्ट स्टार्टर है, जिससे ग्रास टाइप पोकेमॉन को ये पॉइंट मिल जाएगा। नेक्स्ट रीजन आता है जनरेशन 6 यानी कि कैलोस रीजन। कैलोस रीजन के स्टार्टर काफी ऑसम है, जो कि है वाटर टाइप स्टार्टर फ्रोकी, जो कि फुली इवॉल्व होकर बनता है वाटर और डार्क टाइप पोकेमॉन ग्रीनिंजा। ग्रास टाइप स्टार्टर चेस्पिन, जो कि फुली इवॉल्व होकर बनता है ग्रास और फाइटिंग टाइप पोकेमॉन चेस्नॉट। फायर टाइप स्टार्टर फेनिकिन, जो कि फुली इवॉल्व होकर बनती है फायर और साइकिक टाइप पोकेमॉन डेल्फॉग। ये जेन 6 कैलोस के स्टार्टर है। इसी रीजन में मेगा एवोल्यूशन इंट्रोड्यूस करवाया गया था, बट इनको मेगा फॉर्म्स नहीं मिले, जो कि काफी अनफेयर था। बट स्टिल कंपेयर करें तो इनमें कोई भी कंपैरिजन नहीं है। इस रीजन
सीजन का बेस्ट स्टार्टर है ग्रीनिंजा, क्योंकि एनिमे के अंदर डेल्फॉक्स और चेस्टनॉट दोनों को ही काफी ज्यादा वीक दिखाया गया है। वहीं पर ग्रीनिंजा एश का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन, इसने चैंपियन डायंथा के इस पोकेमॉन मेगा गार्डिवॉर तक को टक्कर दी है। इसने मेगा बूमस्नो और मेगा सेप्टल जैसे पोकेमॉन को हराया है डिसएडवांटेज होने के बाद भी। पोकेमॉन गेम्स के अंदर भी ये तीनों स्टार्टर में सबसे बेस्ट है। इसके पास बैटल बॉन्ड एबिलिटी है जिसका यूज करके ये पोकेमॉन गेम्स और एनिमे दोनों में ही बॉन्ड इवॉल्व हो सकता है, जिससे इसके बेस स्टैट 110 पॉइंट से बढ़ जाते हैं। ऐसा कोई फॉर्म बाकी स्टार्टर्स के पास नहीं है, तो हाँ कैलो स्टार्टर को ग्रीनिंजा कैरी करता है बिना किसी डाउट के। ये पॉइंट जाएगा वाटर टाइप स्टार्टर्स को। नेक्स्ट रीजन है जनरेशन 7 यानी कि अलोला रीजन। अलोला के स्टार्टर्स भी डिसेंट हैं, जो कि यह फायर टाइप स्टार्टर लिटन, ये फुली इवॉल्व होता है फायर और डार्क टाइप पोकेमॉन इंसिनरोर में। वाटर टाइप स्टार्टर पोपलियो, जो कि फुली इवॉल्व होती है वाटर और फायर टाइप पोकेमॉन प्राइम अरीना में। ग्रास और फ्लाइंग टाइप स्टार्टर राउलेट, जो कि फुली इवॉल्व होता है ग्रास और घोस्ट टाइप पोकेमॉन डेसिडुआई में। इनके पास भी कोई जाइगेंटामैक्स फॉर्म या फिर मेगा एवोल्यूशन नहीं है। वेल, मेरे अकॉर्डिंग इन तीनों में सबसे बेस्ट स्टार्टर होगा इंसिनरोर। पोकेमॉन एनिमे के अंदर डेसिडुआई और इंसिनरोर को ऑलमोस्ट इक्वल दिखाया गया है, बट पोकेमॉन गेम्स के अंदर इंसिनरोर डेसिडुआई से ज्यादा हेल्पफुल और ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए ये पॉइंट जाएगा फायर टाइप स्टार्टर पोकेमॉन्स को। नेक्स्ट रीजन है जनरेशन 8 यानी कि गला रीजन। यहाँ के स्टार्टर पोकेमॉन से ग्रास टाइप ग्रू की, जो कि फुली इवॉल्व होता है ग्रास टाइप पोकेमॉन रिलाबूम में। वाटर टाइप सॉबल, जो कि फुली इवॉल्व होता है इंटेलियन में। फायर टाइप स्कॉर्बनी, जो कि फुली इवॉल्व होता है सिंड्रेस में। अब क्योंकि ये जनरेशन 8 गलार के स्टार्टर है, इसलिए इन तीनों स्टार्टर के पास काफी स्ट्रॉन्ग जाइगेंटामैक्स फॉर्म भी है। अब कंपेयर किया जाए तो मेरे अकॉर्डिंग बिना किसी डाउट के इन तीनों में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा रिलाबूम। गेम्स के अंदर ये काफी स्ट्रॉन्ग है, बट एनिमे के अंदर ये अब तक का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टार्टर पोकेमॉन है, जो कि फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन लियोन के पास है। पोकेमॉन एनिमे के मास्टर टूर्नामेंट में इसने सबसे ज्यादा बैटल जीती थी, जहां पर चैंपियन लेवल के पोकेमॉन्स थे। इसने चैंपियन डायंथा के 5 पोकेमॉन्स को अकेले हरा दिया था, जिससे आप इसके पावर लेवल का अंदाजा लगा सकते हो। एनिमे के अंदर कोई भी ग्लास स्टार्टर इसके आसपास भी नहीं आता है, तो हाँ डेफिनेटली ये पॉइंट ग्रास टाइप स्टार्टर्स को जाएगा। तो अब ओवरऑल फाइनल रिजल्ट देखें तो 3 पॉइंट्स मिले हैं फायर टाइप स्टार्टर को, 3 पॉइंट मिले हैं ग्रास टाइप स्टार्टर को और 2 पॉइंट मिले हैं वाटर टाइप स्टार्टर को। तो ग्रास और फायर टाइप में टाई हो गया है, बट मेरे अकॉर्डिंग फायर टाइपिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि अगर हम हर एक रीजन के वीकेस्ट स्टार्टर को देखें तो सिर्फ यूनोवा रीजन को छोड़कर कोई भी ऐसा रीजन नहीं है जहां पर फायर स्टार्टर सबसे वीकेस्ट हो। वहीं पर 3 रीजन में ग्रास टाइप स्टार्टर सबसे वीक है, जिससे पता चलता है कि हर एक रीजन का फायर टाइप स्टार्टर डिसेंट होता है। इसीलिए मेरे अकॉर्डिंग नंबर 1 पे आएगी फायर टाइप, नंबर 2 पर आएगी ग्रास टाइप और नंबर 3 पर आएगी वाटर टाइप। वेल तो गाइस यही था आज के इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना। एंड हाँ, दोबारा मिलेंगे एक और ऐसे ऑसम वीडियो के साथ। अंटिल देन, पीस आउट।